हेलो दोस्तों, एवरी निवा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने टोक्यो के एयरपोर्ट पर घटी घटना तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक मिस्टीरियस मैन दूसरे यूनिवर्स से आया था। नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें। ये घटना तो इंडिया के बाहर घटी थी, पर क्या आप जानते हैं इंडिया में भी ऐसी एक घटना घटी और ये कुछ साल पहले बहुत वायरल हुई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी और जानते हैं भारत में कहां घटी ये घटना। Way to another universe। ये बात है 1965 उत्तराखंड के नैनीताल की, जब कुछ अजीब हुआ एक व्यक्ति के साथ। आइए पहले बात करते हैं मल्टी यूनिवर्स की और साथ ही साथ पैरेलल यूनिवर्स की। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है और ये इन्फिनाइट है, पर क्या इस यूनिवर्स में सिर्फ इतना ही है? यही कंसेप्ट आता है मल्टी यूनिवर्स का। इस थ्योरी के ही हिसाब से और भी यूनिवर्स हैं हमारे जैसे, जिसमें और भी अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैं। और इसी थ्योरी के अंदर एक कंसेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स का। उस कंसेप्ट या थ्योरी के हिसाब से हमारी तरह ही एक और अर्थ है और आप जैसे और हम जैसे ही वहां व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह पशु पक्षी सन मून सब एग्जिस्ट करता है, पर फर्क सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज का है। चलिए अब बात करते हैं घटना की। दरअसल 1965 में एक व्यक्ति था वासु भानोट, जो कि 33 साल का था और वो नैनीताल में रहता था। एक दिन उसने अपने चाचा के घर विजिट करने का फैसला लिया, जो कि एक गांव में रहते थे। उस गांव का नाम सतराली था और वो लगभग 90 किलोमीटर दूर था नैनीताल से। वासु भानोट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 13 अक्टूबर 1965 को। पहाड़ों का सफर अक्सर थकान भरा होता है और इसी थकावट को दूर करने के लिए वो ब्रेक लेकर जा रहा था। अचानक एक घनी फोग उसे सड़क पर दिखी, जो कि उसके गांव से कुछ दूर पहले ही थी और उसे भी वो क्रॉस कर गया। धुंध पहाड़ों में होना एक बहुत आम बात है और उसे सब नॉर्मल ही लग रहा था उस धुंध को क्रॉस करके। धुंध धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसका गांव बस सामने ही था, पर एक अजीब बात उसे दिखी कि एक लेक जो उसके विलेज की साइड हमेशा होती थी वो अब वहां नहीं थी। लेक का गायब होना उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि वो लेक बहुत बड़ी थी और साथ ही साथ वो कभी ना खत्म होने वाली लेक थी। फिर वो लेक कहाँ गई? वासु हर साल अपने चाचा के घर विजिट करता था और पिछले साल भी वो अपने चाचा के घर आया था, तब भी वो लेक उस जगह पर थी, पर इस बार वो लेक वहाँ से गायब थी और वो लेक इस तरह गायब थी जैसे मानो वहाँ पर कोई लेक हो ही ना। उसे इस सवाल का जवाब जानना था, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा अपने चाचा के घर गया। उस गाँव में उसके चाचा का पुश्तैनी घर था और वो घर जब पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसका चाचा नहीं था। वासु को लगा कि शायद उसके चाचा ने किसी को हेल्प के लिए रखा है, इसलिए वासु अंदर चला गया। अंदर घर का माहौल बड़ा ही अजीब था, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था, जैसे उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उस व्यक्ति से भी वासु कभी नहीं मिला था अपनी जिंदगी में। अब कुर्सी पर वासु बैठ गया और उसके मन में कई सवाल थे। वासु अपने सवाल पूछने ही वाला था उस अजनबी से, तभी एक औरत वासु के लिए पानी का ग्लास लाई और अब वासु को ऐसा लगने लगा था कि मानो वो अपने चाचा के नहीं किसी अजनबी के घर आया हो, क्योंकि जो औरत उसके लिए पानी का ग्लास लाई थी उस औरत से भी वासु कभी नहीं मिला था। पानी पीते ही वासु से अजनबी ने पूछा, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? वासु ने अपने चाचा का नाम लिया और बोला, ये उनका घर है और वो कहाँ है? तभी अजनबी ने कहा, यहाँ ऐसा कोई नाम का व्यक्ति नहीं रहता और मेरे बचपन से ही मैं यहाँ इस घर में पला बड़ा हूँ। उस अजनबी की एज लगभग 60 साल की थी और ये सुनकर वासु के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वासु को बहुत अजीब लग रहा था, वो सबसे पहले उठकर घर के बाहर गया और उसने घर को अच्छे से देखा कि कहीं वो गलत घर में तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं था। बाहर उसने देखा कि ये वही घर है जिसमें उसके चाचा रहते थे। ये सब क्या हो रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजनबी ने वासु को कहा, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वासु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए वो वेरिफिकेशन के लिए पड़ोसियों के पास गया और उसने भी अजनबी को उसका पड़ोसी बताया। ये सब देखकर वासु उस गांव से भागकर शहर की ओर निकला और उसने फैसला लिया कि वो अपने पिता और पुलिस को लेकर गांव दोबारा आएगा और सच का पता लगाएगा। शहर की ओर जाते समय फिर एक धुंध भरा रास्ता आया और वो वासु ने क्रॉस किया। शहर पहुंचते ही अपने पिता को सारी कहानी बताई और फिर पुलिस की सहायता से वो दोबारा गांव की ओर आए, पर इस बार इस रास्ते में कोई धुंध नहीं थी। साथ ही साथ लेक, जो कि गांव के किनारे पिछली बार वासु के टाइम नहीं थी, वो वापस आ गई थी। वासु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। जैसे ही गांव में पुश्तैनी घर को खटखटाया तो उसके चाचा बाहर आए और पुलिस, वासु के पिता और वासु उन्हें देखकर दंग रह गया।
ये सारी घटना वासु ने अपने चाचा को भी सुनाई। इस घटना के बाद कई लोगों ने वासु को पागल समझा और धीरे धीरे ये खबर पूरी तरह फैल गई कि वासु नाम के व्यक्ति ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। कई लोग इस घटना को महज एक मजाक समझते हैं। उनके हिसाब से वासु ने नशे की हालत में कोई सपना देखा होगा, पर अजीब बात यह है कि वासु ने और उसके परिवार में किसी ने भी पूरे जीवन कोई नशा नहीं किया, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है। वहीं कई लोग ऐसा समझते हैं कि वासु जिस समय धुंध को क्रॉस करके आगे बढ़ा होगा उसी समय वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया होगा, क्योंकि दोनों रास्तों में एक ही धुंध का रास्ता था जो दोनों टाइम वासु के रास्ते में आया, पर वही धुंध पुलिस, वासु के पिता और वासु ने दोबारा नोटिस नहीं की, क्योंकि वैसा कोई रास्ता दोबारा बना ही नहीं। दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता और उस यूनिवर्स से लौट कर आने का रास्ता वो एक ही धुंध थी, और वो रास्ता भी इसलिए खुला होगा क्योंकि जरूर उस समय कोई ना कोई दूसरे यूनिवर्स से आया होगा। आप सभी लोगों को क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं।